काफी सारे लोगों के मुझे कमेंट आए, गाइस ये बताइए कि ऐसा रखे इसके इसकी लैंग्वेज कैसे चेंज की जाती है और किस टाइप से बैग ये काम करता है। हमारे फ़ोन में ये कनेक्टेड नहीं हो रही है, कितने फिंगर पे ये कितने में काम करता है, कैसे क्या करता है, आपको इस वीडियो में सारी की सारी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइज़ मैं आपको बताऊँगा इस फ़ोन में कनेक्टेड करके किस टाइप से कनेक्टेड होती है और किस कैसे इसकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, ठीक है। लैंग्वेज के बारे में भी आपको बताऊँगा और बताऊँगा कितने फिंगर पे कितना ये काम करता है, ठीक है। लो में कैसे करता है और हाई कैसे करता है, वॉल्यूम आप कैसे करते हैं, डाउन कैसे करते हैं, सब कुछ इसकी मदद से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो गाइज़ बिना किसी देर साथ चलते हैं वीडियो। सबसे पहले कनेक्टेड किसे करने के लिए आपको क्या कर लेना होगा, आपको देखिए सबसे पहले आपको एक ईयरबड लगा लेना होगा, ठीक है। एक ईयरबड लगाने सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में ब्लूटूथ को दबाए रखना होगा और सर्चिंग में आने होगा, ठीक है। और फिर न्यू डिवाइस पे आपको क्लिक करना होगा या नीचे आपका भी न्यू डिवाइस आता है तो ठीक है। जैसे ही गाइस देख सकते हो ये पहले आ गई है N19, ठीक है, इस टाइप से ये आ गई है। आप एक अगर आपका एक से नहीं आ रहा है तो आप दूसरी भी निकाल लीजिए, ठीक है। जैसे आप दूसरा निकालोगे तो ये एक से एक कनेक्टेड हो जाती है, ठीक है। अगर आपका न्यू डिवाइस नहीं आ रहा है, ये अगर सर्चिंग में नहीं आ रही है तो आप दोनों निकाल लीजिए तो सर्चिंग में ही आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं इसको इस पर क्लिक करूँगा। जैसे इस पर क्लिक करूँगा ये पेयर होने के लिए रेडी हो गई है, जैसे अभी कनेक्टिंग दिखा रही है। अब जैसे ही कनेक्टेड हो जाएगी तो देख सकते हो गाइस मेरी कनेक्टेड हो चुकी है 100%, ठीक है। अभी इसकी बैटरी दिखा रहा है तो ये मेरी कनेक्टेड हो चुकी है। अगर आपको पेयर करने के लिए तो आप पैर पर मारना अगर, ठीक है। अभी मेरे पैर नहीं आया, डायरेक्ट कनेक्टेड हो गई है। सबसे पहले आपको गाइस आपको दिखा देता हूँ कि इसके गाने नेक्स्ट कैसे होते हैं, ठीक है, और कितने पे ये वर्क करता है, कैसे क्या करता है। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा गाइस, मैं आपको यूट्यूब पे लेके चलता हूँ। तो देख सकते हो गाइस मैं यूट्यूब पे आ गया हूँ, सॉन्ग चला दिया है, ठीक है। आपको दिखाऊंगा कि ये किस टाइप से ये वर्क करता है, कैसे नहीं करता है। तो देखो मैंने ये दोनों ईयरबड आपके सामने रख लिए हैं, ठीक है। मैं दोनों ईयरबड आपके सामने इस टाइप से मैं लगा दिया हूँ, ठीक है। अब आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि आपको किस टाइप से ये वर्क करना होगा, कैसे नहीं, सारा का सारा मैं इस में आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए गाइस सबसे पहले क्या होगा, आप सिंगल टैप पे देख लीजिए, सिंगल टैप पे क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट बार सिंगल आप टैप करोगे तो क्या होता है आप देख लीजिए। जैसे आप सिंगल टैप में करूँगा तो ठीक है गाना प्ले हो जाता है एंड पुश भी हो जाता है। आप देख सकते हो गाइस जैसे मैं सिंगल टैप कर रहा हूँ गाना चालू हो रहा है एंड सिंगल टैप पे ही बंद हो रहा है। तो गाइस इसके सेंसर काफ़ी तेज है, बहुत तेज़ वर्क करते हैं। और आपको बताना चाहूँगा सिंगल टैप पे अगर आपको कॉल आता है तो सिंगल टैप ही आपका कॉल रिसीव हो जाता है एंड सिंगल टैप पे ही डिसकनेक्टेड हो जाता है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो सिंगल टैप से क्या हो गया है तो वो मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब गाइस आते हैं बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पे, आपको टू टैप पर क्या होता है, ठीक है। अगर आपने एक टैप को मैंने बता दिया, अब टू टैप पर क्या होता है वो भी देख लीजिए गाइस, कॉल लग जाता है, ठीक है। जैसे मैंने टू टैप किया कॉल लग गया है, ठीक है। जैसे मैं टू टैप करता हूँ तो ये आपको कॉल लग जाता है, ठीक है। तो गाइस ये बता चुका हूँ मैं, देखो टू टैप का मैंने बता दिया टू टैप पे क्या होता है। एंड अब आती है थ्री टैप की बारे, राइट। थ्री टैप पे क्या आता है वो आप ध्यान से देखना। देखो गाइस अभी हमने पहले टैप का बता दिया है एंड टू टैप का बता दिया, अब आती है थ्री टैप की बारी। तो थ्री टैप पे गाइस आप देख सकते हो, मैं अभी थ्री टैप आपको करके बताता हूँ। मैं थ्री टैप करता हूँ, 1 2 3। जैसे मैं थ्री टैप किए आप देख सकते हो गाना नेक्स्ट लग चुका है, ठीक है। मैं दोबारा थ्री टैप करूंगा, जैसे ही मैंने और थ्री टैप किया आप देख सकते हो दोबारा नेक्स्ट सॉन्ग लग चुका है, ठीक है। इस टाइप से आप नेक्स्ट सॉन्ग लगा सकते हो और आपको बैक करना है, ठीक है, आप गाना नेक्स्ट कर सकते हो। अगर आपको बैक करना है तो दूसरे वाले ईयरबड पे, ठीक है, थ्री टैप आप क्लिक करना, गाना बैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया गाइस बैक, और आप बढ़ा सकते हो और इससे ही बैक कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं अभी कर रहा हूँ तो एक बार आप मैं दोबारा देखो थ्री टैप करूँगा, जैसे थ्री टैप किया वैसे ही गाना नेक्स्ट लग चुका है। तो गाइस इस टाइप से आप नेक्स्ट कर सकते हो। अब आती है गाइस फोर फिंगर पर क्या होता है। तो गाइस फोर फिंगर पे भी आपको मैं बताना चाहूँगा क्या होता है। सबसे पहले आपको मैं फोर टैप करके दिखाता हूँ कि फोर टैप पे क्या होता है। तो मैं सीधा फोर टैप में क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो गाइस फोर टैप पे वॉल्यूम डाउन हो रहा है, ठीक है। जो राइट वाला बर्ड है उससे वॉल्यूम डाउन हो रहा है, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट वाले पर क्लिक करता हूँ फोर टैप तो उससे वॉल्यूम अप होता है और डाउन आप देख लीजिए। जैसे मैंने फोर वाले पे करा वॉल्यूम अप होना स्टार्टिंग हो चुका है, ठीक है। तो राइट वाले से वॉल्यूम डाउन होता है और लेफ्ट वाले से वॉल्यूम अप होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप देख सकते हो, मैं दोबारा कर रहा हूँ तो जैसी माना आप देख सकते हो
वॉल्यूम अप होना स्टार्टेड हो गया है। तो गाइस इस टाइप से ये वॉल्यूम अप होता है। अब गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, कि आपको लैंग्वेज चेंज कैसे करनी होगी। लैंग्वेज चेंज करने के साथ सीधा सिंपल है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, फ़ोन से डिसकनेक्टेड कर लेना होगा। सीधा सिंपली मैं फ़ोन से डिसकनेक्टेड कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं फ़ोन से डिसकनेक्टेड करूँगा तो गाइस ये अभी डिसकनेक्टेड हो गए, ठीक है। अभी गाइस मैं इसकी लैंग्वेज आपके सामने चेंज करूँगा, आपको वैसे आवाज़ नहीं आएगा। तो मैं सीधा सिंपली आपको माइक लगा के दिखा देता हूँ कि किस टाइप से इसका आवाज़ आता है, ठीक है। कि मैंने इसको आपको दिखाने के लिए ये माइक लगा दिया है। आप सीधा फ़ोन से डिसकनेक्ट करेंगे और आप सीधा सिंपली दो बार टाइप करेंगे, ज़्यादा नहीं सिर्फ दो बार टाइप करेंगे। तो मैं इस पर अभी करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, आपको आवाज़ शायद आ रही होगी, ठीक है। अभी क्या था, इंग्लिश थी, अब इसने चाइनीज लैंग्वेज कर दी है। अब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ दो बार, तो इसको इंग्लिश हो गई है। अब मैं फिर दोबारा टाइप करूँगा तो ये हो चुकी है, ठीक है, चाइनीज़। और मैं फिर से दोबारा करता हूँ तो ये हो चुकी है इंग्लिश। आई होप गाइस आपके कोई डाउट नहीं होगा, आपको सारा सारा जितना भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। डाउट अगर आपके कोई भी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं रिलेटेड वीडियो फिर से दोबारा बना दूँगा, ठीक है गाइस। तो गाइस यही था, M10 का मैंने रिव्यू भी कर चुका हूँ गाइस, ठीक है, उसकी अनबॉक्सिंग भी कर चुका हूँ। तो गाइस दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पे भी आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।